दोस्तों हर कोई अपने आर्म्स का साइज बढ़ाना चाहता है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आर्म्स का साइज बड़ा हो तो ट्राइसेप्स का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आर्म्स में बाइसेप्स बहुत छोटा मसल होता है और ट्राइसेप्स बड़ा। कई लड़के यही गलती करते हैं कि वो बाइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करते हैं और ट्राइसेप्स को कम, इसलिए उनके आर्म्स बड़े नहीं हो पाते। देखिए बाइसेप्स जो है 30% होता है और ट्राइसेप्स 70%। तो अगर आपके ट्राइसेप्स बड़े होंगे तो आपके आर्म्स ऑटोमेटिकली बड़े लगेंगे। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस मसल्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस मसल्स के कितने पार्ट हैं, ताकि वो एक्सरसाइज करते टाइम आप उस मसल्स को फील कर सको, आपको पता लग सके कि आप सही मसल को ट्रेन कर रहे हो। तो ट्राइसेप्स के मसल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे ट्राइसेप्स के 3 मसल पार्ट होते हैं। नंबर 1 लॉन्ग हेड, ये मसल बाइसेप्स के नीचे होता है। लॉन्ग हेड बड़ा होगा तो आर्म्स का साइज बड़ा दिखेगा। नंबर 2 लिटिल हेड, ये लॉन्ग हेड से छोटा मसल होता है जो साइड से दिखता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। नंबर 3 मीडियल हेड, ये मसल लॉन्ग हेड के नीचे होता है, बहुत छोटा मसल होता है ये, जो ज़्यादा दिखता नहीं, पर एक प्रॉपर शेप के लिए मसल को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ट्राइसेप्स मसल्स के कितने पार्ट होते हैं। तो आप भी अपने आर्म्स का साइज तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इन मसल्स को ट्रेन करें। तो चलिए अब बात करते हैं ट्राइसेप्स वर्कआउट की, जिससे आपके तीनों मसल्स ट्रेन होंगे और कुछ ही दिनों में आपके ट्राइसेप्स का साइज बढ़ने लगेगा और आपके आर्म्स भी ऑटोमेटिकली बड़े लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइसेप्स एक्सरसाइज की। दोस्तों कोई भी वर्कआउट करने से पहले अपने बॉडी को अच्छी तरह वार्म अप जरूर करें। तो ट्राइसेप्स वर्कआउट करने से पहले आप ट्राइसेप्स मसल्स को भी अच्छी तरह वार्म अप करें। उसके लिए आप डायमंड पुशअप लगा सकते हैं। आप डायमंड पुशअप के 3 सेट लगाएं और हर सेट में जितने रेप निकाल सकते हैं निकालें। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है ट्राइसेप्स के लिए, इससे भी ट्राइसेप्स का साइज बढ़ता है और इसी एक्सरसाइज से आपके ट्राइसेप्स में अच्छा पंप भी आ जाएगा और उसके बाद वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो उसके बाद हम करेंगे अपना मेन वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर 1 क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। दोस्तों हमारी पहली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। इसमें बार को शोल्डर विथ के थोड़ा अंदर से पकड़ें, बार को जब नीचे लाएं तो अपनी चेस्ट के नीचे मतलब निप्पल के नीचे टच करें, फिर ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ट्राइसेप्स को फील करें, ट्राइसेप्स पर लोड डालते हुए बार को फिर ऊपर लेके जाएं और ऊपर ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें। दोस्तों आपने अपने अगर मसल्स का साइज बढ़ाना है तो प्रेस वाली एक्सरसाइज जरूर लगाएं, जैसे बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, लेग प्रेस, और उसी तरह ट्राइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ाती है। आप इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में 8 से 12 रेपिटेशन तक रखें। एक्सरसाइज नंबर 2 स्कल क्रशर। दोस्तों ये भी ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें इजी बार का इस्तेमाल करें, इसमें बार को सिर के पीछे तक लेकर जाएं। कई लड़के से फोरहेड मतलब माथे तक ही ले आते हैं, जो कि गलत है। माथे तक आप लाओगे तो आपके ट्राइसेप्स अच्छी तरह स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे। सिर के पीछे ले जाने से ट्राइसेप्स मसल्स अच्छी तरह स्ट्रेच हो सकते हैं। अपने फोरआर्म्स थोड़े टेपर करके रखें ताकि बार सिर के पीछे तक जा सके। पीछे जब बार को लेके जाएं तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, फिर ऊपर लाएं, मसल को स्क्वीज करें। इससे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड तेजी से गेन होता है, ट्राइसेप्स बड़े बनते हैं। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में उसी तरह 8 से 12 रेपिटेशन तक रखें। एक्सरसाइज नंबर 3, दोस्तों ये एक सुपर सेट होगा जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, इससे भी ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है, ट्राइसेप्स का साइज भी तेजी से बढ़ता है। इसमें इस तरह ये हैंडल लगाकर आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसी सुपरसेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसमें मशीन से थोड़ा पीछे खड़े हों, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखें, बार को नीचे लाएं, ट्राइसेप्स मसल को अच्छी तरह स्क्वीज करें, फिर ऊपर लेके आएं और ट्राइसेप्स मसल को अच्छे से स्ट्रेच करें। इसमें कई लड़के क्या गलती करते हैं कि जब इस बार को ऊपर लेके आते हैं तो 90 डिग्री से ही नीचे ले आते हैं। आपने बार को बिल्कुल पूरा ऊपर लाना है, अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है। दोस्तों ये सुपरसेट बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ट्राइसेप्स करने के लिए टाइम नहीं है तो आप ये सुपरसेट जरूर कीजिए। मतलब केबल ओवरहेड एक्सटेंशन और ट्राइसेप्स पुश डाउन का सुपरसेट बहुत अच्छा है। इस एक्सरसाइज से ही जबरदस्त पंप आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ यही सुपरसेट कीजिए, आपके ट्राइसेप्स अच्छे पंप हो जाएंगे। तो इस सुपरसेट के भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 8 से 12 रेपिटेशन तक रखें। मतलब पहले केबल ओवरहेड एक्सटेंशन के 12 रेप, बिना रेस्ट किए ट्राइसेप्स पुश डाउन के 12 रेप। इसी तरह 3 सेट 8 से 12 रेपिटेशन के लगाएं। एक्सरसाइज नंबर 4 बेंच डिप्स। दोस्तों ये एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज है और बॉडी वेट एक्सरसाइज सारी बेस्ट होती हैं। इस एक्सरसाइज में अपने हाथ अपने हिप्स के पास रखें, अपने पैर नीचे या बेंच पर भी रख सकते हैं।
इसमें जब नीचे जाएं तो ट्राइसेप्स मसल को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, फिर वापस ऊपर आएं और ट्राइसेप्स मसल को अच्छे से स्क्वीज करें। आप इसके 4 सेट लगाएं, पहले में 15, दूसरे में 12, तीसरे में 10 और चौथे सेट में 8 रैप लगाएं। और अगर आप इतने रैप आराम से लगा लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को टफ बनाने के लिए आप अपनी थाई पर वेट भी रख सकते हैं। देखिए, हमारे मसल्स का साइज तब बढ़ता है जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज को टफ करना बहुत ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज में वेट बढ़ाना ज़रूरी है और इसमें आप वेट नहीं बढ़ा सकते तो अपनी थाई पर वेट ज़रूर रखें ताकि आपकी एक्सरसाइज टफ बन पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इस वर्कआउट को 8 से 12 हफ्ते तक फॉलो करें। आपको एक महीने में फ़र्क देखेगा। आप इस हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हैं। आप इस वर्कआउट को बाइसेप्स वर्कआउट या चेस्ट वर्कआउट वाले दिन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो ट्राइसेप्स वर्कआउट पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।